हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज लोधी। हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज है 26 दिसंबर और जो सबसे पहली न्यूज है वो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के बारे में है। बात करें इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन की, तो अभी हाल ही में जापान ने अनाउंस किया है कि वो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन से अपनी जो सदस्यता है उसको क्विट करेगा और जो कमर्शियल वेलिंग है उसको रिज्यूम करेगा। बात करें इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन की, तो ध्यान रखिएगा जो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद जो वेलिंग है उनके कंजर्वेशन और मैनेजमेंट किया जाता है इस कमीशन के तहत। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन 1946 के टाइम पे एक कन्वेंशन हुआ था, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ वेलिंग। इस कन्वेंशन में एक कमीशन सेटअप किया गया था, एक इंटरनेशनल बॉडी सेटअप की गई थी जिसका नाम है इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन का जो एचक्यू है वो इंग्लैंड में है। 1986 के टाइम पे कमर्शियल वेलिंग को रोकने के लिए एक मॉरिटोरियम अडॉप्ट किया गया था जिसमें कमर्शियल वेलिंग को बैन कर दिया गया था, जो अभी तक बैन है। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के तहत पर्टिकुलर कंट्री हैं या कुछ आदिवासी लोग हैं उनके सब्सिस्टेंस के लिए, मतलब उनकी जीविका चलाने के लिए नॉन जीरो वेलिंग कोटा अलाउ कर दिए जाते हैं। मतलब ऐसे लोग जो कि आदिवासी हैं और उनके जीवन निर्वाह के लिए वेलिंग करना जरूरी है, ठीक है, तो उनके लिए इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के द्वारा नॉन जीरो वेलिंग कोटा अवेलेबल करा दिया जाता है। इसके तहत वो वेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो पर्टिकुलर कंट्रीज रहती हैं उनके लिए साइंटिफिक परमिट जारी कर दिए जाते हैं वहां के सिटीजन के लिए कि साइंटिफिक पर्पस से वो वेलिंग अलाउ कर दी जाती है इस कमीशन के द्वारा, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन। ध्यान इसलिए रखना है कि इंडिया भी इसका एक मेंबर है। 1981 के टाइम पे इंडिया ने इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन को ज्वाइन किया था। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो होंगयुन प्रोजेक्ट के बारे में है। बात करें होंगयुन प्रोजेक्ट की, तो ध्यान रखिएगा ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है। चाइना में एक स्पेस एजेंसी है, चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्प कैसिक। चाइना की इस एजेंसी के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, होंगयुन प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के तहत पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कम्युनिकेशन नेटवर्क का स्पेस में एक जाल बिछाया जाएगा और ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड लेवल पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। फिर से बोलता हूँ, होंगयुन प्रोजेक्ट चाइना का है, ठीक है, इसको चाइनीज जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। होंगयुन प्रोजेक्ट के तहत कई सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेस में भेजे जाएंगे। वहां पे पूरा कम्युनिकेशन का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा जो कि अर्थ से जिसको ऑपरेट किया जा सकेगा, और ये जो पूरा कम्युनिकेशन का नेटवर्क होगा इसके माध्यम से वर्ल्ड वाइड लेवल पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। और ऐसे जो एरियाज हैं, ऐसे जो रीजन्स हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाती है, अब इस प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड वाइड लेवल पर इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा होंगयुन प्रोजेक्ट के बारे में। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो मदन मोहन मालवीय के बारे में है। बात करें मदन मोहन मालवीय की, तो अभी 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस था, बर्थ एनिवर्सरी थी। ये इनका जन्म 1861 के टाइम पे हुआ था, 1946 में इनकी डेथ हो गई थी, मदन मोहन मालवीय की। तो अभी हाल ही में जो BHU है वहां पर एक कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है। बात करें मदन मोहन मालवीय की, तो ये एक इंडियन एजुकेशनिस्ट थे। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर थे और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके 3 बार प्रेसिडेंट भी बने थे। इनको महामना भी बोला जाता था। बनारस में बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फाउंड की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसके अलावा जो महामना है इनके द्वारा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया जाता था जिसको द लीडर करके बोला जाता है। मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न भी दिया गया था मरणोपरांत। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो अमृत के बारे में है। बात करें अमृत की, तो अमृत जिसका फुल फॉर्म होता है, बात करें अमृत की जिसमें अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये स्कीम लाई गई थी, और जो अर्बन सिटीज हैं वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई थी, वहां पे ऐसे प्रोजेक्ट लाए जाने थे ताकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा सके। इसके अलावा जो वाटर सप्लाई है, सीवेज सप्लाई है, ठीक है, इन सबको
इंश्योर किया जा सके, जो नालियां हैं, पानी है और जो मॉडर्न एमिनिटीज हैं, उन सब के डेवलपमेंट की बात की जाती है इस स्कीम के तहत, जिसका नाम है अमृत, जिसका फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई थी। और फिलहाल में कंटेक्स्ट भी कुछ वैसा ही है कि कुछ अर्बन रिफॉर्म्स लाए गए हैं, कुछ अर्बन रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, ताकि जो सिटीज हैं वहां पर वाटर, सीवेज, सैनिटेशन, इन सारे जो प्रोजेक्ट हैं इनको इनको लागू किया जा सके, ये क्लीनलीनेस अचीव की जा सके। इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हैं, बातें सारी वही हैं कि वाटर सप्लाई इंश्योर करना है, ठीक है, इसके अलावा ओपन स्पेस मेंटेन करना है, ग्रीनरी डेवलप करना है, ये सारी बातें हैं। जो अगली न्यूज है, बात करें फॉल आर्मी बॉम्ब की, तो ध्यान रखिएगा ये एक पेस्ट है जो अभी हाल ही में हमारे जो स्टेट हैं, कई सारे जो कोस्टल स्टेट हैं वहां पर इस कीड़े का, इस पेस्ट का अटैक हुआ है वहां के क्रॉप्स के ऊपर। तो तमिलनाडु जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अभी एक अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है उनके किसानों के लिए, ताकि जो पेस्ट फॉल आर्मी बॉम्ब इससे निपटा जा सके। बात करें फॉल आर्मी बॉम्ब की, तो ये एक बहुत मेजर मेज का पेस्ट है, मतलब जो मेज की क्रॉप रहती है वहां पर ये जनरली आपको ये पेस्ट देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका और फिर 2016 में इसको अफ्रीका में भी देखा गया। अभी फिलहाल में ये इंडिया में भी जो क्रॉप्स हैं वहां पर उन पे अटैक कर रहा है, और हमारी कंट्री में जो कई सारे स्टेट हैं, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, इन सारे स्टेट में ये क्रॉप को डैमेज कर रहा है। आपको ध्यान रखना है फॉल आर्मी बॉम्ब मेजोरिटी में जो मेज की क्रॉप होती है ये उसके लिए नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा और भी कई सारे जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि राइस हो गया, सोरगम हो गया, मिलेट, शुगर केन, कॉटन, इन सारे जो क्रॉप्स हैं ये उनको भी डैमेज करता है। फॉल आर्मी बॉम्ब को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ इंसेक्टिसाइड या फिर इंटरक्रॉपिंग के द्वारा ये जो पेस्ट है इसको खत्म किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा फॉल आर्मी बॉम्ब के बारे में। ये हमारा डिस्कशन खत्म हो गया। देखिए आज ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थे नहीं, बस कुछ चार पांच ही थे तो हमने डिस्कस कर लिए। जरा जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के बारे में बात की, तो मैंने बताया कि जापान इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन को क्विट कर रहा है और अब वो कमर्शियल वेलिंग को कंटिन्यू करेगा। हमने बताया था कि ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर दी रेगुलेशन ऑफ वेलिंग, जो कि 1946 में ऑर्गेनाइज की गई थी, तो वहां पर ये कमीशन बनाया गया था जो कि जो कमर्शियल वेलिंग की प्रैक्टिसेस हैं उनको रोक लगाता है। इसके बाद हमने आगे होंगिंग प्रोजेक्ट की बात की, मैंने बताया कि चाइना की स्पेस एजेंसी का ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें इस स्पेस एजेंसी के द्वारा एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजा जा रहा है जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत कई सारे सैटेलाइट भेजे जाएंगे और फिर एक कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार किया जाएगा और वर्ल्ड वाइड लेवल पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद हमने मदन मोहन मालवीय के बारे में डिस्कस किया, तो मैंने बताया इनकी भारतीय यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, यूपीएससी पर्टिकुलर भी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। इनका नाम महामना भी बोलते थे, इन्होंने बीएचयू के फाउंडर माने जाते हैं और ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 टाइम प्रेसिडेंट रहे थे, और इनको भारत रत्न दिया गया। एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे द लीडर जो कि इंग्लिश में था। हमने अमृत स्कीम के बारे में डिस्कस किया, मैंने बताया 2015 में लाई गई थी और जो अर्बन सिटीज रहते हैं उनके डेवलपमेंट की बात की जाती है इस स्कीम के तहत। सबसे लास्ट में हमने फॉल आर्मी वॉर्म के बारे में बात की, जिसमें मैंने बताया कि ये एक पेस्ट है और ये हमारे जो कोस्टल स्टेट है, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, इन सारे जो वेरियस स्टेट हैं, इन स्टेट में जो मेज की क्रॉप है ये डैमेज कर रहा है। इस इंसेक्ट के बारे में ध्यान रखिएगा, ये एक पेस्ट है फॉल आर्मी वॉर्म। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन और फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।